हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन निधि सहानी। आज का हमारा वीडियो पैलियो डाइट के बारे में है। पैलियो डाइट वो डाइट है जिसे हम केव्समैन डाइट भी कहते हैं। इसका मतलब जो हमारे एंसेस्टर हजारों साल पहले खाना खाते थे उस तरह की डाइट। इस डाइट को खाने से हमारी काफ़ी हद तक हेल्थ में सुधार आ सकता है। अगर हम इस डाइट पर जाते हैं ना ही हम अगर किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार हैं उसे दूर कर सकते हैं, साथ ही हमारी हेल्थ ऑफ हार्ट, ऑटो इम्यून डिजीज़ प्लस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। ये ना ही हमें हेल्थ की तरफ मॉडिफाई करती है, साथ ही साथ हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज करती है। अब बात करते हैं पैलियो डाइट में क्या खाना होता है। पैलियो डाइट में जो चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट करती है उस फॉर्म ऑफ खाना खाना पड़ता है। इसमें हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ग्रीन्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हम लीन मीट खा सकते हैं जो एक प्रोटीन का सोर्स है एंड कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। ये ना ही हमें ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है, साथ ही हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। पैलियो डाइट जो है हमारा शिफ्टिंग ऑफ आवर लाइफस्टाइल टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल है। इस डाइट में हम न्यूट्रिशन डेंस फूड खाते हैं जिसकी वजह से ना ही हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, साथ ही साथ हमारी भूख भी थोड़ी सी कम हो जाती है जिसकी वजह से वेट लॉस देखा गया है। सेकेंड थिंग, जब हम प्रोटीन रिच एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल रिच फूड खा रहे हैं, बॉडी जो है पॉजिटिव फॉर्म में रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से ना ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, साथ ही साथ हम शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रख सकते हैं। शुगर लेवल्स जब मेंटेन होती है तो बॉडी जो है अच्छी तरह से ग्लूकोज डाइजेस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे जो फैट पॉकेट्स हैं उसका डाइजेशन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से अगेन वेट लॉस देखा गया है। साथ ही साथ एक मिरेकुलस डाइट है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ठीक करे जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना चाहते हैं, या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप अपना स्टेमिना इंक्रीज करना चाहते हैं, तो पैलियो डाइट पर शिफ्ट करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक बटन को क्लिक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।